राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश सहित सात राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जानी अन्य राज्यों का मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून धीरे धीरे देश के तमाम राज्यों में फैलता जा रहा है। आईएमडी और निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर ने राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून धीरे धीरे देश के तमाम राज्यों में फैलता जा रहा है। आईएमडी और निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर ने मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। आज कल में पूर्वोत्तर राजस्थान, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों, असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों, झारखंड, दक्षिण ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। यूपी के इन जिलों में जारी की गई चेतावनी। मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर प्रदेश के बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, सीतापुर, हरदोई, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, उन्नाव, लखनऊ और बारामबकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश होने का, बिजली गिरने की संभावना है। एमपी के 30 जिलों में बारिश की संभावना। वहीं आज भोपाल संभाग, ग्वालियर संभाग और जबलपुर संभाग समेत प्रदेश के 30 जिलों में बारिश की आशंका जताई है। अभी प्रदेश में दो दिनों तक मौसम के प्रभाव से 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ कई जिलों में भारी बारिश और कहीं कहीं हल्की बारिश और बूंदाबांदी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि इस सप्ताह के अंत तक प्रदेश में मॉनसून भी अपनी दस्तक दे सकता है। 25 जून से फिर प्री मॉनसून गतिविधियां सक्रिय होने से मौसम में लगातार बारिश का दौर बना रहेगा। मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटों में प्रदेश में भिंड, मुरैना, श्योपुरकला, कटनी, पन्ना, दमोह, सागर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में बारिश की आशंका है। इसके साथ ही भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, बैतूल, हरदा, रीवा, शाजापुर, आगर, मालवा, रीवा, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और पन्ना में बारिश के आसार है। इसके अलावा अभी दो दिनों में नर्मदापुरम, बैतूल, देवास में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना बनी रहेगी। राजस्थान मौसम विभाग के मुताबिक आज पूर्वी राजस्थान के जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर संभाग में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। बुधवार को सवाई माधोपुर, बूंदी और टोंक, जयपुर, भरतपुर, दौसा, कोटा, बारा, झालावाड़ और सीकर, धौलपुर, करौली में भी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का पूर्वानुमान है। जयपुर में 23 जून के लिए आंधी बारिश और इसके बाद 26 जून तक हल्की बारिश के आसार है। राजस्थान मौसम विभाग की माने तो आज पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, उदयपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा संभाग में अनेक इलाकों में बारिश होने के आसार हैं। वहीं बीकानेर, जोधपुर में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। कोटा, सवाईमाधोपुर, बारा, आसपास के इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही सभी जगहों पर बादल गरजने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के सभी जिलों में आज हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का पूर्वानुमान है। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जिले में भारी वर्षा के साथ वज्रपात और तेज हवा चलने के अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व और उत्तर मध्य भाग में 17 जिलों में मध्यम स्तर की बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना जताई गई है। वहीं अगर राजधानी पटना सहित दक्षिण मध्य, दक्षिण पश्चिम इलाकों की बात करें तो इन जिलों में बहुत हल्की या मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है। मौसम की हर लेटेस्ट खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें UMB News। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।